बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जुम्मे की नमाज को लेकर रामपुर में भी पुलिस अलर्ट पर है, तो जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामपुर में 21 दिसंबर को CAA को लेकर हिंसा हुई थी और तभी से लेकर अब तक बता दें कि हालात तनावपूर्ण कहीं ना कहीं बने हुए हैं और उसी को लेकर आज चुकी जुम्मे की नमाज होने वाली है और उसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है, तो कई जगहों पर पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है एहतियात बरतते हुए। दरअसल आपको बता दें कि CAA को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बीच 21 दिसंबर को भी CAA को लेकर रामपुर में हिंसा हुई थी और ऐसे में स्थिति फिर से तनावपूर्ण न बने इसको देखते हुए ये एहतियात बरते गए हैं, जहां रामपुर में जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो जुम्मे की नमाज है आज और ऐसे में कहीं ना कहीं संभावना ये कि हालात बेकाबू हो सकते हैं और ऐसे में इन्हीं हालातों को पहले से ही परखते हुए पुलिस बल पूरी तरीके से तैयार है, अलर्ट मोड पर है और कई जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। तो शरारती तत्वों पर लगाम लगाने की और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की कोशिशें हैं यहाँ पर, आंख कान चौकन्नी यहाँ पर, और ऐसे में स्थिति को कंट्रोल में करते हुए यूपी पुलिस फिलहाल तैनात है रामपुर के चप्पे चप्पे पर, नजर बनाए हुए है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो 21 दिसंबर को भी जिस तरह से CAA को लेकर हिंसा हुई थी उस दौरान भी काफी कोशिश यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी और ऐसे में आज जब जुम्मे की नमाज है तो कोशिश एक बार फिर से यहाँ पर सामाजिक तत्वों की हो सकती है कि माहौल किस तरह से गर्म किया जाए, स्थिति किस तरह से तनावपूर्ण की जाए, लेकिन ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस तैयार है, अलर्ट मोड पर है और उसी को देखते हुए चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। तो PSC के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे, पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहां पर तैनात रहेंगे। तो यूपी के कई जिले जिनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिनमें एक रामपुर भी यहां पर शामिल है। तो CAA को लेकर आपको बता दें कि लगातार विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में जुम्मे की नमाज के दिन हालात ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं और ऐसे में इसी दिन को देखते हुए फिलहाल सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।